सिवा संभल के बनियाठेर थाना क्षेत्र में मानकपुर नरोली रोड पर चल रहे अवैध खनन की शिकायत भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विशाल चौहान ने उप जिलाधिकारी चंदोसी महेश प्रसाद दीक्षित से की। आपको बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर अवैध खनन करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जेसीबी से ट्रॉली में मिट्टी भरी जा रही है। जब इस मामले में खनन कर रहे व्यक्ति शाहरुख से बात की गई तो उनका कहना था कि यह काम वे थाना अध्यक्ष के कहने पर कर रहे हैं। जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खनन कर रहे व्यक्ति ने सरकारी तालाब की भी डेढ़ डेढ़ बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत जिला अध्यक्ष द्वारा उप जिलाधिकारी चंदोसी से की गई, जिस पर उप जिलाधिकारी ने वहां पर चल रहे कार्य को तत्काल रुकवा दिया। इस मामले पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विशाल चौहान ने बताया कि बनियाठेर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति अवैध खनन का कार्य कर रहा है, जिसने सरकारी तालाब पर भी अवैध कब्जा कर लिया है, जिस पर कार्यवाही के लिए उप जिलाधिकारी से कहा गया है। हाजी जी कौन है इसमें? हाजी जी प्लांट वाले। अच्छा, किसके माध्यम से चलेगी? तो हाजी जी करा रहा है, जिसके माध्यम से करा रहा है उनसे बात करना, अभी फॉर्म बुला ले रहा हूँ। हाजी जी चलवा रहे हैं इसे? क्या हाजी चलवा रहे हैं जैसी भी? कब से चल रही है? कहाँ जा रही है मिट्टी? है अच्छा, यहाँ कौन सा थाना लगता है? कौन सा थाना लगता है? सरकारी तालाब का कब्जा हो रहा है, उसमें क्या कहेंगे आप? कल मैं जब वहाँ गया था तो एक जेसीबी के साथ लगभग 8-10 ट्रैक्टर अवैध खनन कर रहे थे, और वहाँ जो सरकारी तालाब है, जो व्यक्ति शाहरुख हैं उन्होंने कागज दिखाए थे, उनके जो उतनी बाउंड्री के अतिरिक्त जो बाउंड्री से लेके सड़क तक लगभग 1.5-2 बीघा की जो सरकारी तालाब है उसको पाटा गया है अवैध तरीके से। जो जल निकासी गांव की होती है, मुख्य जल निकासी जो सड़क के नीचे पुलिया है, उसके मार्ग को अवरुद्ध किया गया, और प्लॉट के अतिरिक्त 1.5-1.5 मीटर चारों तरफ तालाब का पटान किया गया। अगर इस प्रकार से अवैध कब्जे सरकारी तालाबों पर अगर ये लोग करेंगे तो फिर किस तरह से जो हमारे जल संरक्षण का जो हमारा सरकार का सपना है वो किस तरह ऐसे पूर्ण हो पाएगा? ये अवैध खनन है, अवैध खनन और ये अवैध कब्जे सरकारी तालाब पूरी तरह से बंद होने चाहिए, और जो निर्माण वहाँ हुआ है उसको हटवाने के लिए हमने उप जिलाधिकारी महोदय से बात की है, उन्होंने आज जांच कर इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई करने का कहा है।